दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपने हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्रेम जरूर किया होगा। मेरा मतलब प्रेम से माता पिता के अपने संतान से, एक ज्ञानी का अपने ज्ञान से और कलाकार का अपनी कला से होता है। दोस्तों क्या वो वाकई में प्रेम है? वो एक मोह भी तो हो सकता है। अच्छा आपको अब यहाँ पर मैं एक तर्क बताता हूँ प्रेम और मोह का। मोह का मतलब एक बंधन होता है और प्रेम का मतलब आज़ादी होती है। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल कुछ माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को कहीं दूसरी जगह पे पढ़ने नहीं भेज सकते। कुछ माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से साथ खेलने की आज्ञा नहीं देते, क्योंकि दोस्तों उनको इस बात का डर होता है कि उनके पीछे उनके बच्चों को पीड़ा तो नहीं हो रही है। तो क्या ये वाकई में प्रेम है? नहीं, ये मोह है दोस्तों। क्योंकि अगर वो वाकई में उनसे प्रेम करते तो वो अपनी छत्र छाया से अपने बच्चों को दूर रखते, ताकि इस दुनिया में जाकर इस दुनिया की समझ ले सकें, दूसरों से ज्ञान ले सकें और उनके जैसे आगे जाके अपना भी परिवार बना सकें। तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मोह से भय होता है, प्रेम से आनंद मिलता है। तो इसलिए अपने बच्चों से प्रेम कीजिए, मोह नहीं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया, और आपने अगर वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।